एपिसोड की शुरुआत में हमें सेल्फी को दिखाया जाता है जो कि आसमान से नीचे गिर रही होती है। वही हमें दिखाया जाता है असुरा किंगडम की प्रिंसेस को जो कि अपने सर्वेंट से बात कर रही होती है कि कैसे वो इस किंगडम की महारानी बन सकती है। इनके पास अलग अलग आइडिया होते हैं। वही हमें सेल्फी को दोबारा से दिखाया जाता है जो कि आसमान से नीचे गिर रही होती है। हमें फिर इस प्रिंसेस का नाम पता चलता है जिसका नाम एरियल एनिमॉय होता है, जो कि बात कर रही होती है कि कैसे अपने भाई और बहनों को पीछे छोड़ के इस किंगडम की महारानी बन सकती है। पर अचानक से इनके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है और उससे पहले एरियल को मारता सेल्फी इस मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाती है और ये मॉन्स्टर यही पे मारा जाता है। पर यहाँ पे ये लोग सोचते हैं आखिरकार ये लड़की है कौन। काफी ऊपर से गिरने की वजह से सेल्फी को काफी चोट आई होती है और साथ ही साथ जो उसके बाल है वो सफेद हो चुके होते हैं। सेल्फी बेहोश हो चुकी होती है। सेल्फी को जब होश आता है तो वो देखती है वो रॉयल पैलेस में है। एरियल सेल्फी को कहती है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सेल्फी कहती है आखिरकार मैं हूँ कहाँ, तो ये बताती है तुम असुरा किंगडम के रॉयल पैलेस के यहाँ पे हो। एरियल फिर सेल्फी को बताती है जहाँ से वो आई है वहाँ के सारे लोग अचानक से गायब हो चुके हैं और साथ ही साथ कई सारी जगह तबाह हो चुकी है। पर अगर वो एरियल के साइड रहेगी तो वादा करती है वो उसकी फैमिली और दोस्तों को ढूंढ के लाएगी, जिसकी वजह से सेल्फी को अपना नाम बदलना पड़ता है और इसका नाम फिट्स पड़ जाता है। और साथ ही साथ इसका साथी भी होता है जिसका नाम लूक होता है और ये दोनों इसकी पर्सनल बॉडीगार्ड है। हमें फिर इन तीनों को दिखाया जाता है जो कि लॉर्ड पिलमोन के पार्टी के यहाँ पे आए होते हैं और वो इनका स्वागत करता है। पर अचानक से यहाँ पे एरियल का भाई आ जाता है जो कि इससे बात नहीं करता। दरअसल इन सभी भाई बहनों के बीच में राजगद्दी को लेकर लड़ाई चल रही है, इस वजह से इनमें से कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं बात करता और ये सब भी कोशिश कर रहे होते हैं कि जितने लोग हो सके उतने लोग ही अपनी तरफ कर ले ताकि इन्हें राजगद्दी मिल सके, जिसमें अब तक सिर्फ एरियल के बड़े भाई के पास सबसे ज्यादा सपोर्टर है। एरियल का भाई काफी घमंडी होता है, इस वजह से उसे लगता है कि एरियल उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ गाना गा सकती है। एरियल इस चीज का कोई जवाब नहीं देती। फिर हम देखते हैं एरियल का भाई अपने साथी से पूछता है आखिरकार वो एल्फ कौन है, तो उसका साथी बताता है उसका नाम साइलेंट फिट्स है और उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। वही हम देखते हैं सेल्फी के यहाँ पे जहाँ पे लूक उसे कहते हैं तुम यही पे रुको मैं कुछ देर में आया, पर सेल्फी यहाँ पे अकेली होती है और साथ ही साथ आज से पहले वो इतने बड़े पार्टी में नहीं आई होती है, इस वजह से वो थोड़ी घबरा जाती है और किसी की वाइन की गिलास गिरा देती है और सबका ध्यान सेल्फी से हटाने के लिए यहाँ पे एरियल गाना गाने लग जाती है, जिस वजह से सारा ध्यान एरियल पे चली जाता है और लोग सेल्फी की गलती को भूल जाते हैं। रॉयल पैलेस के आने के बाद लोग कहता है कि तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए प्रिंसेस का, आज उनकी वजह से तुम्हारी ज्यादा बेइज्जती नहीं हुई। तो सेल्फी ऐसे ही करती है तो प्रिंसेस कहते हैं तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें फिर रात को दिखाया जाता है सेल्फी को जहाँ उसे नाइटमेयर आ रहे होते हैं। दरअसल जब वो लाइट आई थी तो सेल्फी पहाड़ के नजदीक थी और वो अचानक से पहाड़ पे गिरने के बाद वो आसमान में पहुंच गई, इस वजह से अब तक उसका नाइटमेयर खत्म नहीं हो रहा होता। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ एरियल से मिलने के लिए पिलमोन आता है और कहता है कि आपके बड़े भाई को काफी सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे। प्रिंसेस कहती है कि ठीक है। एरियल फिर सेल्फी की तारीफ करती है कि वो धीरे धीरे यहाँ के सारे मैनर्स सीख रही है और बात रही कल जो हुआ उसे इस चीज पे ज्यादा गौर करना नहीं चाहिए, लोग बोलते रहते उनका काम बोलना है। सेल्फी एरियल का इस चीज के लिए शुक्रिया करती है और पूछती है कि प्रिंसेस आपने मेरे फ्रेंड्स और फैमिली वालों को ढूंढ लिया क्या, तो ये कहती है तुम्हारे फैमिली वाले दुनिया भर में बिखर चुके हैं और साथ ही साथ तुम्हारे दोस्त भी, तो अभी उन्हें ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर मैंने सुना है तुम्हें रात को नाइटमेयर आते हैं। सेल्फी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तो एरियल कहती है तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे रूम पे आ सकते हो रात को रहने के लिए। वही हमें एरियल के बड़े भाई को दिखाया जाता है जहाँ वो अपने साथी को कहता है कि एरियल का पता साफ करना पड़ेगा, क्या तुम इसमें कुछ कर सकते हो, तो उसका साथी कहता है अब इसमें चिंता बिल्कुल मत करिए। वहीं पे हम देखते हैं सेल्फी को जो कि एरियल के साथ यहाँ सोने के लिए आ चुकी होती है। एरियल कहती है कि घबराओ मत मैं तुम्हारे साथ कुछ करने नहीं वाली। सेल्फी फिर एरियल को बताती है दरअसल उसे भी रात को बुरे सपने आते हैं, इस वजह से वो रात को सो नहीं पाती, अगर ये दोनों एक साथ सोएंगी तो इन्हें शायद से बुरे सपने ना आए और अगर इन्हें बुरे सपने आ भी गए तो एक दूसरे का साथ देंगे। फिर हम देखते हैं ये दोनों सो जाते हैं, पर अचानक से एक लड़की इनके ऊपर रात को हमला कर देती है, पर सेल्फी उस हमले को डॉज कर देती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में मुकाबला होने लग जाता है। ये असैसिन काफी तेज होती है पर सेल्फी को थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका होता है और साथ ही साथ वो मैजिक जानती है, तो वो असैसिन के हमले को डॉज करने लग जाती है, पर वो असैसिन इसके ऊपर हमला कर देती है वो भी एक धारदार चाकू से। सेल्फी एरियल को बचाने के लिए उस वार को अपने ऊपर ले लेती है और उस असैसिन को अपनी पावर की मदद से नीचे गिरा देती है, जिस वजह से वो असैसिन मारी जाती है। वही भी हम देखते हैं यहाँ पे लूक भी आ जाता है, सीन चेंज होता है और हम देखते हैं अगले दिन जहाँ पे पिलमोन इनसे मिलने के लिए आया होता है और कहता है कि आपकी जान को खतरा है प्रिंसेस, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए फौरन, जब तक के लिए मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा, आपका बड़ा भाई कुछ भी कर सकता है राजगद्दी हासिल करने के लिए, तो यहाँ पे ये चीज के लिए मान जाती है। और यहाँ से जाने से पहले वो सेल्फी को कहती है कि सेल्फी तुम आज से आजाद हो, तुम्हें मेरी बॉडीगार्ड बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे फैमिली
फैमिली और फ्रेंड्स को किसी भी हाल में ढूंढ निकालूंगी, पर मेरे पास उतना औधा नहीं है कि मैं तुम्हारे दोस्तों और तुम्हारी फैमिली को ढूंढ निकालूं। पर सेल्फी कहती है, आपने मुझे अपना फ्रेंड माना, इस वजह से मैं आपके साथ अब रहना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं ये तीनों अपने सफर के लिए निकल जाते हैं और यहाँ से जो कहानी है वो टू भी कंटिन्यू जाती है। ये जीरो एपिसोड था, इसका मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ सेल्फी की कहानी दिखाई गई है कि जब रोडियोस डेमन किंगडम के यहाँ पे था और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, वहीं पे सेल्फी भी अकेले अलग अलग चीजें कर रही थी। और यहाँ पे हमें इस कहानी का कंटिन्यूएशन दिखाया जाएगा आगे आने वाले एपिसोड में। तो तब तक के लिए बने रहिए, और जो अगला एपिसोड है मोस्ट प्रोबेबली आज आ जाएगा या फिर नेक्स्ट वीक आएगा, उसके लिए हम वेट करेंगे। और आखिर में जाते हुए कहूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।